नमस्कार। कोई नया प्रोजेक्ट हाथ में ले रहे हो, कुछ नया शुरू करना जा रहे हो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन उससे पहले ये 5 क्वेश्चन अपने आप से पूछना और उसका ईमानदारी से ऑनेस्टली जवाब देना, किसी और को नहीं, खुद को। नए प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो तो उससे पहले आपको क्या सावधानी रखनी है, क्या नॉलेज रखना है, यह आपको बहुत जरूरी है, वरना आपका प्रोजेक्ट अनसक्सेस हो सकता है, आपको असफलता मिल सकती है, आपको निराशा हताशा मिल सकती है। इन 5 सवालों के जवाब आप अपने आप को देना और फिर कोई भी काम स्टार्ट करना। सबसे पहले तो अपने आप से पूछना, यह प्रोजेक्ट पहले किया, बाजार में रिसर्च करना, मार्केट में रिसर्च करना कि क्या आप जो प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे हो वह बाजार के लिए नया है, मार्केट में डिफरेंट है, तो हो सकता है कि आपको शुरुआती सफलता मिल जाए। लेकिन अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो और ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट ही चल भी रहे हैं जो आप शुरू कर रहे हो, तो आपको एक बार सोचना होगा। आपको यह सोचना होगा कि मार्केट में ऑलरेडी कॉम्पिटिशन है और मैं उसी फील्ड में उतर रहा हूं, तो आपको कुछ नया करना होगा, आपको उस फील्ड में कुछ ऐसा डिफरेंट करना होगा, तभी आप अपने कॉम्पिटिटर से कंपटीशन कर पाओगे। वरना तो क्या, 2 प्रोडक्ट सेम आ रहे, सेम रेट, सेम प्राइस, सब कुछ सेम, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग वगैरह सब कुछ सेम, तो फिर आप सक्सेस कैसे हो गए? मार्केट में अगर प्रोडक्ट नया है, कोई कंपटीशन नहीं है, तो हो सकता है आपकी सक्सेस आपको मिल जाए। लेकिन अगर वही पुराना है आपका, तो आपको कुछ नया करना होगा, कुछ डिफरेंट करना होगा। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ध्यान रखनी होगी। आप प्रोजेक्ट शुरुआत कर रहे हो तो सबसे पहले उसकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को बारे में पूछना अपने आप से कि इसकी क्या इन्वेस्टमेंट कॉस्ट लगेगी, क्या मेरे पास इतना फंड है, क्या मार्केट में मैं 2 या 3 साल तक सर्वाइव कर सकता हूं बिना प्रॉफिट के। आज के टाइम में ध्यान रखना, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, लगाते ही तुरंत पैसे की बरसात नहीं होती है, कम से कम 2 या 3 साल तो आपको स्टेब्लिश रहना पड़ता है, तब जाके आपको थोड़ी बहुत इनकम चालू होती है। तो आपको अपने प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को ध्यान देना होगा कि कितनी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट लगेगी, कितना मेरे पास फंड है, कितना मेरे को आगे लेना होगा और क्या 2 या 3 साल तक मैं सर्वाइव कर पाऊंगा, तभी आप अपने प्रोजेक्ट को चालू करना, वरना मत करना। टाइमलाइन डिसाइड करना। आप प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो यानी एक बस करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, पैसे लगाते जा रहे हो और प्रॉफिट नहीं आ रहा है, फिर भी नहीं प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, उससे पहले टाइमलाइन डिसाइड करना कि 1 साल में मुझे क्या करना है, 2 साल में मुझे क्या करना है, 3 साल में मुझे क्या करना है और कितनी मेहनत करनी है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ मार्केटिंग करनी है, कहाँ लॉजिस्टिक का मुझे ध्यान रखना है, हर चीज का आपको टाइम लाइन डिसाइड करना है, तब जाकर आपका प्रोजेक्ट सफल हो पाएगा। क्योंकि हर कार्य में टाइम डिसाइड होता है, ये नहीं कि बस करते जा रहे, ऐसा मत करना। स्पष्ट क्लियर गुंजाइश देखना अपने प्रोजेक्ट में। आप ये मत देखना कि यार मैं प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूँ तो इसमें यार 50% तक मुझे सफलता मिल सकती है। अगर आपकी संभावनाएं 50% है ना, तो वो प्रोजेक्ट शुरू मत करना। कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करो तो उसमें 80 या 90% तक की गुंजाइश देखना सक्सेस होने की, और कॉन्फिडेंस रखना कि हाँ यार इसमें 80 या 90% तक मैं सक्सेस हो सकता हूँ, तो बस आपकी सक्सेस रेट बढ़ जाएगी। अगर आपका मन कह रहा है इसमें 50% चांस है सक्सेस होने का, तो वो प्रोजेक्ट मत करिए। कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करना, उससे पहले स्पष्ट गुंजाइश देखो कि हाँ यार ये मैं कर सकता हूँ और ये सक्सेस हो, उसमें 80 या 90% की ग्रोथ रेट, चांस रेट सक्सेस होने की होनी चाहिए। और मार्केट में ये भी देखना, क्या आप उस मार्केट के लिए बिल्कुल नए हो? आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि यार आप नए हो? अगर आप नए हो तो आपको सावधानी से चलना पड़ेगा, हर चीज हर कदम पे आपको सावधानी रखनी होगी। अगर आप मार्केट के लिए आप बिल्कुल नए हो, प्रोजेक्ट नया नहीं है, आप नए हो, आप उस फील्ड में नए उतर रहे हो,
तो आपको हर चीज से सावधानी रखनी होगी। तो ये पांच क्वेश्चन अपने आप से पूछना आप कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करो उससे पहले, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट साबित होगा।